तो ये हमारे पास पेशेंट आए थे आज से 15 महीने पहले, इनका मैंने ऑपरेशन किया था। आज जब ये बाहर आए मेरे क्लिनिक पे तो मेरी कोई शक्ल भी याद नहीं थी और बहुत ही सुंदर लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था किसी पेशेंट के साथ है। तो सडनली इन्होंने कहा कि सर आपने मेरा ऑपरेशन किया था, ये देखो सर कौन सा वाला हाथ है, ये देखो सर ये पूरा इतना बड़ा ऑपरेशन किया आपने, ये किया है और सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे पूरा मूवमेंट हो रहा है ये। तो मुझे लगा कि छोटा मोटा ही ऑपरेशन होगा, कर दिया होगा प्लेट व्लेट हड्डी वड्डी टूटी होगी, लेकिन नहीं सर 6 महीने तक ऐसे इन्फेक्शन हो गया था, पस हो गया था, फिर ये वो फलाना ढिंकाना। तो मैंने सोचा भाई बड़ी मुश्किल से एक और पेशेंट आया हमारे पास वीडियो देने के लिए, पेशेंट की जो उसका सक्सेस है। तो इनसे डायरेक्टली मैंने भी नहीं पूछा ज़्यादा क्या हुआ था, तो इनको कैसे चोट लगी थी, क्या ट्रीटमेंट हो रहा था, हम तक इतनी दूर तक क्यों आना पड़ा इनको, वो अपनी स्टोरी आपको सुनाएंगे। ठीक है सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो जो भी है थोड़ा सा। मेरा ऑपरेशन हुआ था डीडवाना के अंदर। चोट कैसे लगी थी आपको? गिर गया था मैं बाइक से। अच्छा, तो बाइक का जो हैंडल होता है वो हाथ पे आ गया था पूरा। ठीक है, तो वहीं पे हड्डी वगैरह टूट गई, तो मैं गांव में ऑपरेशन करवाया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या वो जब प्लेटें कसी थी ना हड्डी के साथ में, तो नस मेरी कस दी थी, तो फिर वो क्या इन्फेक्शन फैलने लग गया था। ठीक है, तो फिर वो नसें वगैरह पूरी गल गई एकदम। ठीक है, तो फिर मैं आया डॉक्टर अमित मित्तल सर के पास। किसी उंगली को पता नहीं चलता था, कैसे भी करो कुछ भी करो। ठीक है, बाद में मैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख के, यूट्यूब पे देखा, इतना नहीं बनाया होगा 15 महीने पहले तो। ठीक है, फिर मैं आया था फिर आपके पास, अब 2-4 दिन वैसे आना पड़ा, फिर बाद में अपॉइंटमेंट मिला, ऐसा टाइम लगा, टाइम लगा फिर। अच्छा, फिर एक आपने बोला ऑपरेशन होगा, तो फिर मेरा ऑपरेशन आपने किया था इतनी आसानी से? पहले भी तो ऑपरेशन हुए थे। हाँ, पहले तो हो गए थे। कोई ऑपरेशन करा लेना तो इसका मतलब वो बहुत ही बड़े दिल वाला है आदमी, क्योंकि मैं अच्छा नहीं बोलता ऑपरेशन से पहले किसी को। नहीं, आपने क्या बताया था मैंने आपको? आपने बोला देखो हाथ का वगैरह होगा तो ठीक है, मैंने बोला बस ऊपर वाले के भरोसे है, आपके भरोसे है, जो करना कर लो। तो मेरे ऊपर इतना विश्वास क्यों हो रहा था आपको? मैंने देखा आप जो वीडियो के ऊपर, और जो हमारा राजस्थान के जैसे जयपुर के और भी क्लाइंट है ना, उन्होंने बताया था कि एक नंबर के डॉक्टर है और जो काम करेंगे परफेक्ट काम करेंगे। फिर आया, अभी देख लो परफेक्ट, मैं दिखा रहा हूँ हाथ मेरे, ये उंगलियाँ वगैरह बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। ये मैं सच बोल रहा हूँ, ये हाथ मेरा ऐसा था। अभी मेरा हाथ एकदम सीधा, मुट्ठी भी बंद होती है, ऐसी उंगलियाँ। क्या क्या काम नहीं कर पा रहे थे आप? पहले कुछ भी नहीं कर पा रहा था सर, बिल्कुल तो नहीं। अभी तो मैं मोबाइल भी उठा लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ सारा। कितने टाइम में आप ठीक हो गए थे? ठीक तो सर वैसे आपने 15 दिन बाद में मेरे टांगे वहाँ के खोल दिया, आपने मुझे बोला बस ये एक्सरसाइज करनी है उंगलियों को, बस ऐसे ऐसे करना है, तो मैं करता रहा। और दवाइयाँ कोई दी थी हमने ज़्यादा? दवाइयाँ कोई नॉर्मल सी, कोई एक दो मेडिसिन दी थी, बाकी कुछ नहीं थी। पहले दवाइयाँ पहले दवाइयाँ चल रही थी। तो लोगों को डर नहीं लगा ये डॉक्टर दवाइयाँ क्यों नहीं दे रहा, सारे पैसे खुद ही रखता है क्या? जो काम ऐसे हो रहा है तो फिर दवाइयों से थोड़ी होगा। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपने किस किस टाइप के पेशेंट देखे थे? बहुत सारे देख लिए होंगे। बहुत सारे हाथ कटे हुए और टूटे हुए जोड़ लिए थे, बिल्कुल सब मैंने देखे। सब पेशेंट से किसी से पूछा नहीं ठीक है नहीं डॉक्टर साहब? नहीं, सब लेते हैं कैसे लेते हैं? नहीं, वो सब बोल रहे थे एकदम, सब पूछते रहते हैं बाहर बैठे बैठे। तुमने कुछ तो पूछा होगा? नहीं, ऐसे मैंने सोच लिया अब करना तो करना, मेरे पास हकीकत बता रहा हूँ पैसे नहीं थे, ये सच्ची बात है, रियल बता रहा हूँ मैं। तो अच्छा ये बताओ, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा है? बिल्कुल सर, पक्का है? पक्का। तो जो भी लोग आपको सुन रहे हैं उनको हमसे डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, बेझिझक आओ आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं यहाँ पे। पक्का है? पक्का एकदम श्योर 100%। आप कितने लोग आए थे जब ट्रीटमेंट के लिए आए थे? तकरीबन 4। 4 लोग, सारे हट्टे कट्टे लोग थे, ऐसे देख के मुझे डर लग रहा था कि ये क्या करेंगे। और मैं इनका ऑपरेशन थिएटर में भी मेरे ख्याल से 2-3 घंटे लेट आया था मैं, बिल्कुल। तो बार बार ये सोच रहे थे डॉक्टर तो है नहीं, कौन है, कौन करेगा ऑपरेशन, ऐसा लोग बहुत सोचते हैं। क्योंकि भाई मैं लास्ट में आता हूँ, पहले पूरा प्रिपरेशन चल रहा होता है ऑपरेशन थिएटर में, जैसे फ्लाइट में जाते हो वो सफाई वाला आता है वो चेक करता है सारी चीज़ें, पायलट बाद में आता है। तो आप ये मत एक्सपेक्ट किया करो कि डॉक्टर इमीडिएटली आए, लेकिन 100% इनका जो मैंने ऑपरेशन किया, जब मैंने इनको कहा कि मेरा अपने मेरे को वीडियो दिखाओ क्या ऑपरेशन किया था, तो मैं कितना खुश हूँ 15 महीने के बाद भी इनके फ़ोन में वो सारी वीडियो है। जरा दिखाना खोल के, जरा मेरे पास तो होंगी होंगी, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट जिनके मैं ऑपरेट करता हूँ ये बोलते हैं कि सर मेरा फ़ोन टूट गया, वो गुम गया, सर डिलीट हो गई, व्हाट्सएप खराब हो गया, ये 10 चीज़ें। इसने कितना सेव करके रखा, देखो ये हाथ पूरा, इसकी पूरी पाँव से नसें ली हुई, हमने पाँव से ली रखी ना, और पूरा ये देखो इतना इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है इनका। थोड़ा पास से करके दिखा दी, ये पेशेंट के फ़ोन के अंदर है। ये कौन सी डेट का है?
डेट याद है तुम्हें? डेट तो सर कंफर्म याद नहीं है, लेकिन 15 महीने पहले का है सर। 15 महीने पहले का है। तो आप सब लोगों को जिनको भी ऐसी चोट लगती है, बेस्ट डॉक्टर से मिलकर उससे सारी गंदी चीज़ें सुनने के बाद उसे बोलो कि सर आपको इस टाइप के ट्रीटमेंट करने आते हैं तो हम निसंकोच होकर आपसे ऑपरेशन कराएंगे, जो हमारी किस्मत में वो होके रहेगा, लेकिन सर जितना है उससे ख़राब तो नहीं करोगे। तो अगर वो ऐसा बोल देता है तो आपको 100% ऑपरेशन कराना चाहिए उनसे।